एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर पहला, इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस दूसरे पार्ट में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो, टेस्ट ऑफ स्टार्च और सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद भी और कोई है प्लांट का फूड जिसका सिंथेसिस होता है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई केवल लीफ ही क्यों स्पेशलाइज्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, रेस्ट पार्ट जो प्लांट का वो भोजन क्यों नहीं बना सकता। तो द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। भाई लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का या प्लांट का रंग हरा दिखता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यही क्लोरोफिल जो है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है, और यह सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई रॉ मटेरियल के रूप में आपके पास क्या है, CO2 है, और क्या है, वाटर है। अब इसको हम जो वाटर मोलेक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि यह प्रक्रिया सूर्य की रोशनी में होती है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब सूर्य के प्रकाश में ही हम CO2 और H2O ये दोनों मिलके भोजन बनाने का काम करते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसके लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 और वाटर जरूरी है, एंड इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक अलग, सबसे अलग तरह का ये प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करके और फिर उसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग सब्सटेंस। अगर कहा जाए इस प्रकृति में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत, अनंतिम स्रोत कौन है, तो वो सन है। इसलिए सन को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देख रहे हो यही क्लोरोफिल है जो पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं। इसके लोअर सरफेस पे ये जो छिद्र है इसी को हम लोग स्टोमा बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करने का ये गार्ड सेल्स है। तो ये लीफ पैक स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ देखो बहुत अच्छा डायग्राम है भाई। सूर्य से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सनलाइट। वातावरण से क्या प्राप्त हो रहा है, डायरेक्शन देखने का काम करता है। फिर सॉइल से वाटर और मिनरल की प्राप्ति होती है, और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें ग्लूकोज मिलता है, और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ग्लूकोज तो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट में, लेकिन ऑक्सीजन को ये प्लांट बाहर निकालने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप कल्पना कर सकते हो ये पृथ्वी बिना फोटोसिंथेसिस के
ये इमेजिन कर सकते हो इस पृथ्वी पे जीव का जीवन का, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फिर भोजन हमें मिलेगा कैसे, किस रूप में मिलेगा? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। मैंने पहले भी चर्चा किया था इसका कि चाहे कोई भी जीव हो वो प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही जुड़ा होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैं केवल भोजन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल फूड एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन गैस की। यह भी प्रोवाइड करने का काम ग्रीन प्लांट्स करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पे जीव संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है विदाउट फोटोसिंथेसिस। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। भाई पत्तियों में ही केवल भोजन का निर्माण नहीं होगा, इन ग्रीन स्टेम, अगर स्टेम हरा है उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, ग्रीन ब्रांचें, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वहां भी होगी। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। आप देखो ना डेजर्ट प्लांट्स में, वहां पत्तियां स्पाइंस बन जाती है, कांटा बन जाता है, वहां लीफ कन्वर्ट हो जाता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अरे भाई ट्रांस पर, चूंकि डेजर्ट एरिया में तो पानी का अभाव है और लीफ इसमें मॉडिफाइड हो गया स्पाइन में, तो अब खाना कौन बनाएगा? तो खाना बनाने का काम स्टेम करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन। आप देख लो भाई, सनलाइट यहां से मिला, सूर्य से लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, वाटर एंड मिनरल सॉइल से, अब पत्तियां खाना बनाने का काम करेगी। अब भोजन चूंकि इसमें स्टोर्ड है लेकिन ऑक्सीजन को ये रिलीज कर रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम इक्वेशन के द्वारा दिखाएंगे। CO2 + वाटर, सनलाइट और ये लीफ में क्लोरोफिल है, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पत्तियों में स्टार्च है जिसे आप आयोडीन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पत्तियों ने भोजन बनाने का काम किया है। स्टार्च ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आइए एक्टिविटी वन, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइम। आप देख रहे हो दो पॉटेड प्लांट है, कीप वन इन द डार्क इन ए ब्लैक बॉक्स और फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। एक को हमने सनलाइट में रखा और एक को हमने डार्क में रखा। अब परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स। भाई 72 घंटों तक जो डार्क में रखा गया इसका सारा स्टार्च तो यूटिलाइज हो गया, अब इन पत्तियों में स्टार्च नहीं है। रिकॉर्ड योर योर रिजल्ट। तो क्या देखते हैं कि जो धूप में रखा होता उसकी पत्तियां क्या हो गई? ब्लू ब्लैक। और इसमें क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिजल्ट जो हमें मिला इससे पता चलता है कि जो धूप में रखी हुई थी पत्तियां, उन्होंने भोजन बनाने का काम किया। इनके पत्तियों में स्टार्च है
और इसी स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करके इसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज. अब जिसको अपने डार्क में रखा था पुनः आप उसको 3 से 4 दिनों तक धूप में छोड़ दो एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लेयर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. तो क्या पाओगे? फिर उसकी पत्तियों को तोड़ के अगर आप टेस्ट करोगे तो देखना फिर पत्तियां ब्लू ब्लैक हो गई. इसका मतलब उन्होंने भोजन बनाने का काम किया. हुजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड वायलेट ब्राउन लीव्स. ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. आप देख रहे हो डिफरेंट कलर की पत्तियां हैं. अब हुजो के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि भाई ग्रीन पत्तियां जो होती हैं, ग्रीन लीव्स है, वो तो फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स कलर्स के जो पत्तियां, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है? द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. भाई इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. भाई जो अलग अलग कलर के आप जो देखते हो रेड ब्राउन या अदर पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट्स को ढक लेते हैं. तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. इन सारी पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है. यू ऑफ्ट सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडी. जहां पानी स्थिर है आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ये पैचेस स्लिमी स्ट्रक्चर पाया जाता है. These are generally formed by the growth of organism called algae. ये algae है. Can you guess why algae are green in color? भाई इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. ये अलगी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और देखते देखते पूरे पॉन्ड का पानी हरा दिखना शुरू हो जाता है. रैपिड ग्रोथ होता है अलगी का. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप तो जानते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये 3 एलिमेंट से बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. एंड दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट. भाई यहाँ प्रोटीन और फैट का भी निर्माण होता है दूसरे कंपोनेंट से. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस. प्रोटीन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. और ये तो नाइट्रोजन कहां से आएगा, इसका स्रोत क्या है नाइट्रोजन का? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर. आपको पता है 78% नाइट्रोजन वातावरण में मौजूद है. लेकिन However, plant cannot absorb nitrogen in this form. इस रूप में प्लांट इसका यूज नहीं कर सकता. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. भाई ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है और फिर दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर. पानी के साथ ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. And also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the farm. Productivity बढ़ाने के लिए farmers fertilizers use करते हैं जो rich in nitrogen होता है. In this way, plant fulfill their requirements of nitrogen along with other constituents. दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाती है प्लांट्स को. And plants can then सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. इस तरह से प्लांट प्रोटीन और विटामिन
का सिंथेसिस करने में सक्षम होता है। इन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। भाई बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिजायर न्यूट्रिशन, फिर वो जिंदा कैसे, वो कहां से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पर जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे वो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब आइए हम लोग क्वेश्चन बैंक में चलने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर नोन एज, भाई वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना सकता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रोप। फिर सेप्रोट्रोप्स क्या है, ये तो सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करने का काम करते हैं। हेटरोट्रोप्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, भाई एनर्जी का अल्टीमेट स्रोत क्या है, वो है सन। तीसरा क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ कॉल्ड, उस ग्रीन पिगमेंट को आप क्या कहते हो जिसकी वजह से प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है, यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, वो है क्लोरोफिल। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो एक सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाएगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पर आके बात रुक जाती है। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता। इसी के आधार पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करने का काम करते। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू, भाई सोलर एनर्जी को किसमें बदलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। हमारा फूड जो है वो किस रूप में है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, फैट्स के रूप में, विटामिन्स के रूप में, अब ये क्या है, ये फूड तो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोप, मशरूम ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ईस्ट भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ब्रेड मॉल्ड भी फंगस है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन अलगी, भाई अलगी तो ऑटोट्रोप्स हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना खाना खुद बनाने में सक्षम है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज पोर्ड ओवर ए डीकलराइज्ड ग्रीन लीफ ए ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, दिस सो दैट द ग्रीन लीफ कंटेन्स, अरे भाई जब आप अल्कोहल में बॉयल करते हो लीफ को, ग्रीन लीफ को, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, डीकलराइज्ड हो जाता है, और फिर जब आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हो तो वो कैसा चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक में, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें स्टार्च मौजूद, स्टार्च प्रेजेंट। अलगी क्या है, अलगी को मैंने बताया ना ये ऑटोट्रोप्स है। ओमनीभोर, ओमनीभोर हो गया भाई जो सारी चीजों को खाने का काम करता है, चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो चाहे एनिमल प्रोडक्ट हो। सेप्रोट्रोप सड़े गले पदार्थों पे जो ग्रो करता है। इंसेक्टिवोर
जो इंसेक्ट्स को खाने का काम करता है, कुछ प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म? भाई ये तीन ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है हमने, बताइए कौन फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल नाइट्रोजन, ताकि लेगुमिनस प्लांट्स उसका इस्तेमाल कर सके? तो वो है बैक्टीरिया। ये फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में, और फिर प्लांट इसका इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये तो एनिमल सेल है, क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाएगा। ह्यूमन में भी एनिमल सेल है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। फंगस नॉन ग्रीन है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? अल्गी। अल्गी है और ट्रोप्स है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये ग्रीनिश कलर के होते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हमने समाप्त किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।